सो हेलो सब गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि आप आम रेशम की सारी एक्सरसाइजेज बताओ हमें। तो मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, जैसे कि मैंने सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी थी इंस्टाग्राम पे, बट इंस्टाग्राम पे बहुत शॉर्ट क्लिप बनती थी तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो मैंने सीरीज अब यूट्यूब में स्टार्ट करी है, जो कि है आर्म रेसलिंग एक्सरसाइजेस एट होम। तो जैसे कि मैं जब ये सीरीज इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर रही थी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो आई होप आप इसमें भी अच्छा प्यार दिखाओगे, सपोर्ट करोगे, और बाकी कोई भी आपके डाउट्स वगैरह हो तो आप मैं पूछ सकते हो। मैं इस सीरीज के अंदर सारे डाउट्स क्लियर करते हुए चलूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी एक्सरसाइज बताऊंगा, और लास्ट में कुछ टेक्निक्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं हमारी राइजिंग के बारे में। तो पहला चीज, राइजिंग क्या है? देखो, मैं जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो पहले उसके बारे में समझाता हूँ। मेरा यही चीज होता है ऑर्गेनिक लर्निंग की, मैं उसको स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज बता दी तो खत्म कर दिया। मैं उसको पहले समझाता हूँ कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो जैसे राइजिंग है, राइजिंग जरूरी है। जो बंदे हुक मारते हैं, टॉप रोल मारते हैं, उनको राइजिंग चाहिए। लगभग एक राइजिंग एक ऐसा पॉइंट है जो आर्म रेसलर का मेन गेम होना चाहिए। राइजिंग अगर आर्म रेसलर के पास उसका राइजिंग वीक पॉइंट है तो उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल सकता है मैच में। तो हमें राइजिंग को क्यों ट्रेन करना चाहिए? आर्म रेसलिंग में क्या चीज है जो हमें एडवांटेज देती है राइजिंग को ट्रेन करने से? तो राइजिंग में जब भी हम राइजिंग को ट्रेन करते हैं तो हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स जो होते हैं ये रिस्ट के, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो हम अपने अपोनेंट को इजिली टॉप रोल या हुक मार सकते हैं। तो राइजिंग एक मेन गेम आप बोल सकते हो कि राइजिंग एक मेन पॉइंट है, इसको आपको ट्रेन करना चाहिए। मैक्सिमम लोग प्रोनेशन करते हैं, सुपिनेशन करते हैं, कपिंग करते हैं, बट राइजिंग बहुत कम लोग मीन्स उसको नेगलेक्ट करते हैं। वो चीज गलत है। तो इसको ट्रेन करने के कुछ तरीके, और साथ ही साथ इसमें आपकी थोड़ी पुलिंग भी इंगेज होगी। वैसे पुलिंग को मैं एक अलग टॉपिक में करूंगा, क्योंकि पुलिंग अलग अलग तरीकों से होती है। जैसे नीचे से पुलिंग होती है, फ्रंट पुलिंग होती है, तो उसको हम अलग वीडियो में करेंगे। बट आज हम राइजिंग के साथ साथ पुलिंग भी बताऊंगा, बट मेन टॉपिक जो हमारा वो है राइजिंग। तो देखते हैं हम राइजिंग की कितनी सारी एक्सरसाइज आज कवर कर पाते हैं, जो मेन मेन है। उसमें से आपको ये नहीं बोल रहा कि उसमें से आपको सारी ट्रेन करनी है, आपको एक या दो मेन मेन एक्सरसाइज पकड़नी है, बट ट्रेन आपको वीक में सारी करनी है। जैसे आपने एक एक बार सारी कर दी, बट आपकी जो मेन मेन आपको लगी कि हाँ इससे मुझे एडवांटेज मिल रहा है, तो आप उसको वीक में डेली ट्रेन करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो सबसे बेस्ट है मेरा या फेवरेट आप बोल सकते हो, आपको बॉडी, ये आपकी जो एल्बो है बॉडी के अंदर, और एक मूवमेंट यहाँ से आएगी। मेन चीज मूवमेंट यहाँ से आएगी। जब आपका हाथ नीचे आएगा तो हाथ थोड़ा सा ऐसे नीचे बैंड होगा, और ऊपर आने से पहले, ये पुल करने से पहले पहले आपका राइजर यहाँ से पुल होगा, ये चीज पुल होगा, फिर ऊपर पुल होगा। ये राइजर पहले राइज होगा फिर ऊपर पुल होगा, ये आप ध्यान में रखना। कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम गेम में पुलिंग तो कर लेते हैं बट हमारा राइजर डाउन जाता है। अगर आपका राइजर पहले से आएगा तो आपका टॉप रोल जल्दी निकल जाएगा, आप अपोनेंट को जल्दी टॉप रोल मार पाओगे, ठीक है ना। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो आप अपोनेंट के साथ गेम खेल रहे हो, आप टॉप रोलर हो, ठीक है, आपने रेडी को हुआ, जैसे टॉप रोल मारा, आपने यहां से तो पुल कर लिया, जैसे ये यहां से तो पुल कर लिया, बट आपका राइजर डाउन हो गया, ये तो आपके पास गेम आधा चला जाएगा। लेकिन आपने, आपका राइजर अच्छा होगा और आपने स्टार्टिंग में यहां से पुल कर दिया, तो आप अपोनेंट को टॉप रोल मार लोगे। तो वही चीज है, जब भी आपका हाथ नीचे जाएगा, हल्का सा राइजर आपका डाउन जाएगा, लेकिन पुलिंग करने से पहले, ये पुल करने से पहले आपका राइजर पहले अप आएगा फिर ऊपर पुल आएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये बेसिक बेसिक मिस्टेक लोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनकी टेबल में रिजल्ट नहीं दिखते उनको, सॉरी। तो ये कर दिया एल्बो अंदर, ये नीचे, फिर देखो पहले मेरा राइजर, देखो पहले मेरा राइजर अप हो रहा है, ये अप होगा फिर जाकर ऊपर पुल होगा, ये इसी को मैं स्पीड में करता हूँ। सो
सो ये हो गया आपकी पहली एक्सरसाइज। उसके बाद है सेकंड एक्सरसाइज, उसमें आपकी राइजर तो स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ आपका ये फिथम और ऊपर की पुलिंग तीनों चीज इंगेज हो। तो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। इसको देखो मैं कैसे ग्रिप लिया, उसे हैवी हो गया बट हम कर सकते हैं उसको। मेरी अभी बता दूं मैं आपको प्रॉपर, देखो आपको क्या करना है, एल्बो अंदर टैग, ये हाथ नीचे फिर ऊपर पुल, ये सो अब मैं बताऊंगा इसके एडवांटेज क्या क्या है। पहला एडवांटेज, जब भी कोई हुकर मेनली हुकर वो ट्राई करता है कि उनके हाथ खुल जाए, उसके बाद स्ट्रैप पैच में जाए तो उनको एडवांटेज मिलता है स्ट्रैप में सारे हुकर्स को, तो वो हाथ छुटाते हैं। बट अगर आपकी ये ग्रिप जो मैं बता रहा हूँ ये चीज आपको एक्सेप्ट करके आपने एक्सरसाइज करी है, सॉरी इतना मैं यहाँ पर रखकर रॉड रखकर फिर यहाँ से पुल, आपने ये वाली एक्सरसाइज करी तो जब भी वो हाथ छुटाएगा तो आपका थंब जो है वो ग्रिप आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग कर देगा ये वाली एक्सरसाइज कि अपोनेंट आपका हाथ अपना हाथ छुटा नहीं पाएगा। तो ये चीज ऐड कर लेना, उसी के साथ साथ आपका राइजर इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आपकी पुलिंग बहुत अच्छी हो रही है। आप उसको अगर मान लो आपकी फिंगर नहीं है उसमें, फिंगर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो फिंगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर भी आप अपने थंब और बैक प्रेशर से उसको गिरा दोगे, ये मेरी गारंटी है। और उसके बाद एक और एक्सरसाइज है वो, अगर आपके पास टेबल है टेबल पुली है तो आपको फ्रंट से राइजिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप टेबल में राइजिंग करोगे वो आपको एक, जो आप फ्रंट से राइजिंग करोगे वो आपको एक अलग ही हिट देती है। जैसे मान लो आपको फील होता है कि आप टेबल में मैच खेल रहे हो, अगर आपके पास नहीं है तो आपको चाहिए बस एक साइकिल की ट्यूब, मैं दिखाता हूँ वैसे, तो आपको एक ऐसी साइकिल की ट्यूब ले लेनी है जो आपको 10 रुपए की मिल जाएगी, उससे महंगा कोई भी नहीं देगा, बाकी अगर 20 की मिल जाए फिर भी ले लेना। उसको आपको लगाना है, देखो एक पॉइंट याद रखो, हुक की जब भी एक्सरसाइज करोगे तो अपने शोल्डर से ऊपर थोड़ा सा ऊपर टॉप होल्ड में एल्बो के बराबर, ठीक है ना, तो आपको इसको नीचे लगा लेना है, यहाँ पर कोई लगाने वाला है नहीं, बिकॉज मैं यहाँ एक्सरसाइज करता हूँ, मैं अपने अकेडमी में करता हूँ, होम वर्कआउट पहले करता था, तो अभी ये मत बोलना कि क्या तू। देखो डबल में तो ये बहुत हैवी होगा, आप इसको काट कर सिंगल कर लेना, सिंगल कर लोगे फिर आपको ऐसे पकड़ना है, आप काटना मत इसको, ना ऐसे कर लेना, बीच से पकड़ लेना और इसको ये सामने से और ट्यूब से आपको एक एडवांटेज यही मिलता है कि ट्यूब से क्या होता है, जब हम राइज करते हैं पीछे पुल करते हैं तो एक प्रेशर बनता है वो जो हमें उस हमें अपोजिट खींचता है, तो ट्यूब से इसलिए भी ट्रेन करना जरूरी है। सो ये 2 से 3 एक्सरसाइज थी राइजिंग की, ये पार्ट फर्स्ट था, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगा होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सो आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।